कुछ कहानियां याद रह जाती हैं, कुछ आपको रुलाती हैं, कुछ हंसाती हैं और कुछ कर देती हैं सोचने पर मजबूर। इस वर्ल्ड कैंसर डे देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल लेकर आए हैं 94.3 माय एफएम पर कहानी जीत की। कैंसर के खिलाफ जिन्होंने लड़ी अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग, जिन्होंने नहीं मानी हार और मजबूर कर दिया इस बीमारी को घुटने टेकने के लिए, हमारे ही बीच कुछ ऐसे जिंदा दिल योद्धाओं की कहानी 4 फरवरी को पूरे दिन सिर्फ माय एफएम पर। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं, चलो आज मिलकर कैंसर के खिलाफ लड़ते हैं। कहानी जीत की ब्रॉट टू यू बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कॉल 9584040139 94.3 माय एफएम एंड देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कहानी जीत की। नाम गंगाराम जी, महाराष्ट्र के रहने वाले। इन्हें जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तो पूरा परिवार सकते में आ गया और फिर हुई कैंसर के खिलाफ जंग की शुरुआत। उन्होंने हमें टाटा मेमोरियल के लिए सजेस्ट किया। वहाँ के डॉक्टरों ने हमें ये बताया था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने तक हमें टाइम लिमिट दी कि आपके पापा इससे ज़्यादा वक्त सर्वाइव नहीं कर सकते। मेरे चाचा से मुझे देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इस अस्पताल का एड्रेस मिला। यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर हार्दिया जी है, उनसे हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। अभी मेरे डैड में मेरे पिताजी पहले से बेटर कंडीशन है। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर माय एफएम कहता है कैंसर के खिलाफ जीती जा सकती है हर जंग। कहानी जीत की ब्रॉट टू यू बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कॉल 9584040131।